अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए लाल बटन दबाइए और सब्सक्राइब करिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियो आप तक सही समय पर सबसे पहले पहुंच जाए। खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चिन्मय गौड़ और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ फ्लूट के इस नए लेसन में, अभी मुझमें कहीं, फ्रॉम द मूवी अग्निपथ। दोस्तों, जब मैंने इसका कवर अपलोड किया था वायलिन पे, फ्लूट पे और मेलोडिका पे, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि सर ये हमको सॉन्ग सीखना है, लेकिन आज इतना लेट मैं ये अपलोड कर रहा हूँ। सॉरी, देर आए दुरुस्त आए। जो मेरे वीडियो को ये पहली बार देख रहे हैं वो पहले कवर भी देख ले और फिर ये वीडियो देखे, मजा आएगा सीखने में। आइए बिना टाइम वेस्ट किए ये सॉन्ग सीखते हैं। क्या करना है, मेरे पास सी शार्प की फ्लूट है, मैंने तानपुरे पर सी शार्प लगा रखा है, ठीक है। अभी ठीक है, धापा मगरे मुझ में कहीं, धापा मगरे अभी मुझ में कहीं, फिर पदप मग मधप मग जाना पदप मग। बहुत सारे लोग है ना, म जो है बहुत खोल देते हैं तो जिससे उसका साउंड बिगड़ता है। इसमें हम शुद्ध मध्यम यूज कर रहे हैं तो क्या ध्यान रखना है कि ढंग से बंद करना है ये म, पूरा खोलना नहीं और बहुत ज्यादा भी बंद नहीं करना है, कम से कम हाफ से हाफ तो बंद रखना है और हाफ से ऊपर नहीं, हाफ से हल्का सा नीचे बंद रखना है ना। यानी कि अगर 100% ये होल है तो हमको इसको 60% के आसपास बंद रखना है, तब जाके सही आवाज निकलेगी। वापिस बोलता हूं, अभी मुझ में कहीं बाकी पदप मग माधर थोड़ी सी प है जिन ग म ध प दगी मग ग प ध प मगरे ग प पदप मग माध प ग म ध प मग, ठीक है। इस लाइन को दो बार रिपीट करना है, आगे फिर दोबारा ये लाइन आएगा, उसके बाद मैं खो जाता हूं अपनी दुनिया में, सॉरी। हाँ, पदप मग मा प ग म ध प मग मग ग म ध नी स ध कुछ ऐसी लगन ग म ध नी स ध ग म ध नी स ध द देखा द। वापिस बोलता हूं, तारा ग म ध नी स ध ध देख कितना प्यार से कर रहा हूं मैं, ग म ध नी स ध ग म ध नी स ध ग म ध नी स ध नी सारी ता सब तक में आएगा है ना। ग म ध नी स ध ग म ध नी सा ध ग म ध नी स ध नी सारी, ठीक है। अभी
सारे गरे सत्ता। सारे गरे सा निधा, देखा नी नी प्ले नहीं किया मैंने, लेकिन मैंने धा जो है वो नी से लिया है ना। सारे गरे सा धा निधा है ना, सारे गरे सा धा, सारे गरे सा धा। फिर निसा धा निसा धसा, निसा धसा मगरे निसा, क्या है निसा धसा, निसा धसा मा, शुद्ध मा ध्यान रखना वो ढंग से बंद करना। निसा धसा मगरे निसा, तररारा तररारा है ना, सानी रे नी सानी रे सानी। ये क्या किया मैंने, सानी सानी रे सानी, पर स्पीड से किया, खटका किया स्पीड से किया है ना, सानी रे सानी स्पीड से किया। वापस बोलता हूं, अब है सॉरी, अब है सामने इस झूलू जरा, मर जाऊं या जीलू जरा। फिर खुशियां छो तारा, तो सारे गरे सदा, सारे गरे सदा, निसा धसा मगरे निसा। समझ में आया इतना, अब सीखते हैं इसका अंतरा, सेकंड पैराग्राफ। तारा तो सानी पाधा कोमली, अब जैसे मैंने म की बात कही ना आपको कि ढंग से बंद करना है, वैसे ही कोमलनी का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि बहुत बंद कर दो या बहुत सारा खोल दो, है ना, प्रॉपर वो 50-60% के बीच में ही खोलना है उसको। क्या लाइन क्या अंतरेगी, सानी पधनी, अब ये सब जो है सा जो है तार सप्तक का है, सानी पधनी थपमा गमा प, सानी धपनी धपमा गमा प, तो धपमा स्पीड से आएगा ध्यान रखना। सानी धपनी धपमा गमा प, पधा पधा ग धा धा। ओहो यहां पे कोमल ध भी आ रहा है, क्या किया कोमल ध के लिए, ऐसा या तो ऐसा या ऐसा, जैसे हम कोमल नहीं करते हैं ना प्ले आधा ऐसा शुद्ध म करते हैं, ऐसे ही कोमल ध भी करना है ना, पर क्या फील आएगा शानदार। सानी प धनी धप मा गम प, पध शुद्ध ध ग ध ध ग ध ग ध, सानी पधनी धपमा गम प, पध ग ध ध ग। हाँ
सानी पधनी दमा ग ध ग ध ग रिस गर ग। आज हो कल हो मेरा ना हो, हर दिन सॉरी हर दिन थी कहानी मेरी, डोर से टूटी पतंग जैसी भीगम जिंदगानी मेरी। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूं मैं? देखो, सानी पधनी दबमा गम प प ध ग ध ध ग रे ग, है ना? फिर दो बार आएगा ये भी, फिर कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है। तो नीरे पा मा, अभी ये जो माँ है वो तीव्र माँ आ जाएगा। नीरे पा मा प मा प मा प मा प मा प मा प, वापिस दिखाता हूं। नीरे प कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है। नीरे प मा 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 गर ग सा, है ना? फिर नीरे प मा प प प, नीरे प मा प मा तो प प प, स्पीड से आएगा प द प, है ना? नीरे प मा 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 ग रे ग सा, नीरे प मा प मा प मा प मा प द, सेकेंड लाइन इज नीरे प मा प मा प मा प मा प ध नी सा नी सा नी ध प मा सा नी ध सा नी प मा ग। नीरे प मा 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 ग रे ग सा, नीरे प मा प मा प मा प मा प ध नी सा नी प मा ग। गम ध नी सा ध गम ध नी सा ध गम ध नी सा ध नी सा प नी सा रे। खूबसूरती के लिए लाइन क्या है? द तररा रे, लेकिन हम सुंदरता के लिए पनी सारे, है ना? वापस कहता हूं, गम ध नी सा ध गम ध नी सा ध गम ध नी सा प नी सा रे। फिर रे पे बढ़िया रुकना है ना? फिर तार सप्तक में अब है सारे ग, अभी देखो सारे ग है लेकिन मैं सा 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 आ ऐसे कर रहा हूं, है ना? ब्यूटिफिकेशन के लिए सारे गाय रे साधा, देखा? सारे गाय रे साधा सारे गाय रे साधा नी साधा सा मा ग रे नी सा तारा, सारे गाय रे साधा मा ग रे साधा
निसदा सामागरे निसा। तो उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थोड़ा हार्ड है लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है। अब देखो इस सॉन्ग के बहाने आप एक तो धापा मा फ्रेज को अच्छा पक्का कर लोगे, है ना, क्योंकि इसमें बार बार धापा मा पमा ग, अब ये सब अलंकार है जो हमने फोर्थ नंबर या फिफ्थ नंबर के लेसन में सीखे थे। तो जिनको ये समझ में नहीं आ पा रहा, जिनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं है, वो अलंकार को बैठ के बढ़िया प्रैक्टिस करे, है ना दोस्तों। संगीत में पेशेंस चाहिए, पेशेंस से इंसान सीखता है। अब ये जो है एक रफ सॉन्ग का मैंने आपको बताया है, और भी अच्छा हो सकता है लेकिन उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा पेशेंस के साथ। एक दिन में नहीं आएगा, हो सकता है एक दिन में आप रट लोगे क्या क्या नोट्स है, लेकिन उसको सुंदर करने में 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 साल 2 साल 3 साल क्या पता पूरा जीवन भी लग जाए एक ही चीज को साधने में। पर हमको इतना नहीं करना है, हमको तो अच्छा थोड़ा बहुत बढ़िया सीख लेना है जितना भी हम सीख पाए लिमिटेड टाइम में। तो दोस्तों जाने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया है 2019 नमो विजय सॉन्ग, नमो विजय धुन, मेरा खुद का ओरिजिनल कंपोजिशन है। और दोस्तों वो मैंने खुद ने ही कंपोज किया है, उसमें फ्लूट मैंने प्ले की है, पूरी फ्लूट की कंपोजिशन है, तबला है, संतूर है, हारमोनियम है, बहुत प्यारी कंपोजिशन है, मैंने ही रची है, मैंने ही सब कुछ प्ले किया है, मैंने ही अरेंज किया है, मैंने ही एडिटिंग भी किया है और मिक्स भी किया है। दोस्तों वो जरूर देखिएगा। और हाँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी नहीं हूं, मैं किसी भी को सपोर्ट नहीं करता हूं ऐसे, लेकिन मुझे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का काम अच्छा लगा। पर्सनली मेरे ऐसे व्यूज है, मैंने बदलाव देखा है, मैंने विकास देखा है बहुत जबरदस्त वाला, इसलिए मैं मेरी इच्छा थी कि उनके लिए कुछ करूं मैं कार्य। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से जो है अपनी धुन को वहां ट्रिब्यूट किया उनके लिए, इसलिए आप लोग भी सुनिएगा वो धुन। हो सकता है कि बहुत लोगों को मोदी जी का काम अच्छा नहीं लगता हो तो ठीक है, लेकिन वो धुन जरूर सुन लीजिएगा कि धुन तो संगीत की, और संगीत की कोई सीमा नहीं होती है, कोई धर्म नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई जाति नहीं, तो सिर्फ संगीत के नाते सुन लीजिएगा, मजा आएगा क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन लग रहे हैं, मेरे को वो बहुत प्रिय है इसलिए आपको मैं शेयर कर रहा हूं। तो अभी मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, इस सॉन्ग की बढ़िया प्रैक्टिस करिएगा, जल्द मिलते हैं नए लेसन के साथ। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आई लव यू। जय हिंद, जय भारत।